हेलो फ्रेंड्स, इंसुलिन का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल कंप्लीट किया है और थोड़ा सा वीडियो में लाइट की प्रॉब्लम थी। कोशिश है कि आज थोड़ा सा वीडियो में इम्प्रूवमेंट रहेगा कंपेरेटिवली टू आपकी जो टेक्निक्स हैं उसके अकॉर्डिंग। अब कंटेंट की बात करते हैं तो इंसुलिन का फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन की कैसे सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस के बारे में मैंने आपको बताया था इंसुलिन का। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि उसका रेगुलेशन कैसे होता है इंसुलिन का। अब उसके आगे की बात करते हैं तो नोट करेंगे सबसे पहले जो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलिन आज हम लोग बात करने वाले हैं इंसुलिन के क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, मैंने आपको जो उस टाइम पे बताया था वो तो टाइप्स ऑफ इंसुलिन है ना। तो टाइप्स में मैंने बताया था एक पॉर्क इंसुलिन है, एक आपका ह्यूमन इंसुलिन है और एक है आपका बीफ इंसुलिन। तो दे ऑल आर कन्वेंशनल इंसुलिन। लेकिन जब हम बात करते हैं इंसुलिन के क्लासिफिकेशन की तो नोट करते जाएंगे जो सबसे पहला इसमें आता है फर्स्ट नंबर पे, उसको हम लोग बोलते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। पहला क्लासिफिकेशन में आता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इसका मतलब होता है कि जैसे ही आपको इंजेक्शन दिया गया है, इंसुलिन कौन से रूट से देते हैं, सबसे पहले तो मैंने बताया ही था सबक्यूटेनियस रूट से, ठीक है। तो जब भी इंसुलिन को ऐसी रूट से दिया जाता है तो उसमें पहली कैटेगरी हमने क्लासिफाई की है जो रैपिडली एक्ट करते हैं, बहुत ही स्पीड से एक्ट करते हैं, इन्हीं को हम लोग बोल सकते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। इसी को हम लोग बोल सकते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। मतलब या तो मैं बोल दूं रैपिडली एक्टिंग या फिर मैं बोल दूं कौन सा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अब देखिए, यहां पर सिंपल एक ट्रिक याद कर लेना जिससे आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का मतलब क्या है, बहुत स्पीड से। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का मतलब क्या है, बहुत स्पीड से, है ना। तो आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि जो ग्लू होती है ना, ग्लू, ग्लू मतलब गम, तो जो ग्लू होती है तो हम लोग पेज फट जाता है, हमारा पेज खराब हो जाता है, तो हम लोग उसको चिपकाने के लिए ग्लू का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जब ग्लू से वो चिपक जाता है तो बहुत इंस्टेंटली अगर चिपकेगा तो ऐसे याद रखेंगे कि असली ग्लू वही है जो बहुत स्पीड से, मतलब रैपिडली, जो बहुत रैपिडली पेज को चिपका दे। कहानी बस आपकी इतनी सी है, असली ग्लू, ASLILY और GLU ग्लू, असली ग्लू वही है जो आपके पेज को रैपिडली बहुत स्पीड से चिपका दे, है ना। तो ये आपकी ट्रिक बन गई। अब यहां पे कैसे याद रखना है, सबके आगे लगा दो आई, सबके आगे लगा दो क्या आई, तो नोट करना सबसे आई का मतलब हो क्या इंसुलिन, तो ये हो जाएगा आपका इंसुलिन एस्पार्ट, में एस क्या हो जाएगा एस्पार्ट। दूसरा हो जाएगा कौन सा इंसुलिन लिस्प्रो, दूसरा हो जाएगा कौन सा इंसुलिन लिस्प्रो, और जो तीसरे नंबर पे है वो हो जाएगा कौन सा इंसुलिन ग्लूलिसिन, इंसुलिन ग्लूलिसिन। तो ये तीन ही होते हैं आपके जो रैपिडली एक्ट करते हैं या जो बहुत स्पीड से एक्ट करते हैं। नोट कर लिया, बिल्कुल नोट्स बनाते जाइए। तो अगर आपसे पूछता है कि रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है, तो एक हो गया इंसुलिन एस्पार्ट, दूसरा हो गया इंसुलिन लिस्प्रो और तीसरा हो गया कौन सा इंसुलिन ग्लूलिसिन। तो ये हो गया आपके रैपिडली एक्टिंग अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, पहली कैटेगरी होगी क्लासिफिकेशन में, क्लियर। चलिए इसके बाद अब आता है सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे अगर आपसे पूछा जाता है कि सेकेंड क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग के बाद आपका सेकेंड आता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। सेकेंड आता है आपका कौन सा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो इसमें नोट कर लेंगे शॉर्ट एक्टिंग में कि आपने देखा होगा हर जगह कहानी याद किया करो कि जो लोग क्लास में शॉर्ट होते हैं, जो लोग आपके क्लास में शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट मतलब छोटे होते हैं, कद में छोटे होते हैं, वो हमेशा आप लोग देखना क्लास में रेगुलर आते हैं। जो बच्चे क्लास में रेगुलर आएंगे ना वो कैसे होंगे, कद के छोटे होते हैं। जो लंबे स्टूडेंट होते हैं ऐसा मान के चलते हैं वो क्लास में रेगुलर नहीं आते, है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहानी और ट्रिक क्या बताई कि जो लोग शॉर्ट होते हैं वो लोग क्लास में रेगुलर आते हैं। कैसे आते हैं, रेगुलर आते हैं, मतलब इसके अंदर एक ही इंसुलिन आएगा, कौन सा वाला रेगुलर इंसुलिन, इसके अंदर एक ही इंसुलिन आएगा, कौन सा रेगुलर इंसुलिन। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। जो लोग शॉर्ट होते हैं वो लोग क्लास में रेगुलर आते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो ये हो गया आप लोगों का कौन सा शॉर्ट एक्टिंग या फिर कौन सा रेगुलर इंसुलिन। जो रेगुलर इंसुलिन होता है ये आपका सॉल्यूबल इन नेचर होता है, तो नोट करेंगे दिस इज आल्सो कॉल्ड एज
रेगुलर इंसुलिन और सोल्यूबल इंसुलिन। तो ये हो गए आपके सेकेंड पार्ट किसका, क्लासिफिकेशन का। अभी तक मैंने आपको दो बताए हैं, पहला बताया रैपिडली एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, और दूसरा बताया कौन सा, शॉर्ट एक्टिंग। उसके बाद अब आते हैं थर्ड नंबर पे, तीसरा आता है आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग। तीसरा आता है आपका कौन सा, इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग में नोट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां पर बात आ जाती है हमारी जो हमारे आज के टाइम पर चल रहे हैं, जैसे कि सबसे पहला आएगा इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। इंसुलिन जिंक सस्पेंशन ये बहुत पूछा जाता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, कौन सा होगा, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। क्यों बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इसी का दूसरा नाम होता है, इसी को प्यार से बोलते हैं लेंटे, इसी को प्यार से बोलते हैं लेंटे। तो या तो आ जाए इंसुलिन जिंक सस्पेंशन या फिर आ जाए लेंटे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। उसके बाद नोट करेंगे दूसरा आता है आपका कौन सा, एनपीएच। सेकेंड आपका कौन सा, एनपीएच। एनपीएच में नोट कर लेना, इसका फुल फॉर्म होता है न्यूट्रल, इसका फुल फॉर्म होता है न्यूट्रल प्रोटामिन हैगेडॉन, न्यूट्रल प्रोटामिन हैगेडॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरमीडिएट एक्टिंग में कितने आते हैं, तो पहला आता है कौन सा, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, दूसरा आता है आपका कौन सा, एनपीएच। एनपीएच का फुल फॉर्म होता है न्यूट्रल प्रोटामिन, न्यूट्रल प्रोटामिन हैगेडॉन, एच ए जी ई लिखा हुआ हैगेडॉन, और इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोफेन। ब्रैकेट में नोट करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा, आइसोफेन, है ना। तो ये हो गया आपके इंटरमीडिएट एक्टिंग में। तो मैंने अभी तक आपको तीन कैटेगरी बताई है गाइस, पहला बताया है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या रैपिडली एक्टिंग। ट्रिक क्या बताई थी, अल्ट्रा शॉर्ट मतलब बहुत स्पीड से, क्या हो रहा था, असली ग्लू होगी वो आपका बहुत स्पीड से पेज को चिपकाएगी, तो अस से हो जाएगा एस्पार्ट, ली से हो जाएगा लिस्प्रो, और ग्लू से हो जाएगा ग्लूलिसिन, कहानी खत्म। फिर मैंने आपको कौन सा बताया, सेकंड बताया शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट लोग जो होते हैं वो क्लास में रेगुलर आते हैं, तो हो जाएगा रेगुलर इंसुलिन। और तीसरे नंबर पे बताया इंटरमीडिएट जो आपके सामने है। इसकी बात होगी तो याद रख लेना, एक तो जिंक वाला आएगा इंसुलिन जिंक सस्पेंशन जिसको बोलते हैं लेंटे, और एक आता है कौन सा, एनपीएच जिसको बोलते हैं न्यूट्रल प्रोटामिन हैगेडॉन, ठीक है। चलिए इसके बाद नोट करेंगे अगला आता है हमारा लॉन्ग एक्टिंग। चौथी कैटेगरी आती है हमारी कौन सी, लॉन्ग एक्टिंग। चौथी कैटेगरी आती है हमारी कौन सी, लॉन्ग एक्टिंग। तो लॉन्ग से याद रखना, अब यहां पे कहानी कैसे याद रखोगे, देखो सब कुछ कहानी के ऊपर होता है, फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट योर ट्रिक्स। तो लॉन्ग से याद रखना, हम लोग बड़े बड़े वादे करते हैं ना, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो वादों को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वादों को बोलते हैं डिटर्मिनेशन। हाँ प्रॉमिस भी बोलते हैं, लेकिन और क्या बोलते हैं उसको, और हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन बोलते हैं, है ना। तो हमेशा याद रखना जब भी लॉन्ग बड़े बड़े वादे, तो वादों से याद रखना कौन सा, डिटर्मिनेशन। तो बड़े बड़े डिटर्मिनेशन लेते हैं तो बड़े को बोलेंगे लार्ज, और डिटर्मिनेशन को मैंने बोल दिया क्या, डिटर्मिनेशन को डेटर कर दिया। तो हमेशा याद रखना इस केस में अगर मैं ड्रग की बात करूंगा तो इंसुलिन लार्ज से हो जाएगा ग्लार्जिन, याद हो गया, बिल्कुल सभी को याद हो गया, लार्ज से हो गया क्या, ग्लार्जिन, क्लियर हुआ, लार्ज से हो जाएगा कौन सा, ग्लार्जिन, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा इसको फोन डिस्चार्ज हो रहा है क्या, इसको बटन लगाते हैं, ओके नाउ इट्स चार्जिंग, करेक्ट। तो मैंने क्या बोला, लार्ज से हो जाएगा ग्लार्जिन और डिटर्मिनेशन से हो जाएगा इंसुलिन डेटेमिर। तो बस आपको ट्रिक याद करनी है, पूरा इंसुलिन की क्लासिफिकेशन रट गया, लार्ज से हो गया ग्लार्जिन और डिटर्मिनेशन से हो गया कौन सा, इंसुलिन डेटेमिर। तो ये आ गया आपके किसमें, लॉन्ग एक्टिंग में। रिसेंटली ये हो गया आपका चौथे नंबर का। रिसेंटली अभी दो एक और कैटेगरी ऐड की गई है इंसुलिन में, जो नई केडी त्रिपाठी है, आप चाहें तो वहां से रेफर कर सकते हैं। एक पांचवी कैटेगरी आई है जिसको बोला है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, है ना, ये सभी बुक्स में नहीं है, अभी रिसेंटली ऐड किया गया है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग कौन सा इंसुलिन है। और जो नया ड्रग आपका ऐड होता है वो जीपैट में जनरली पूछ लिया जाता है। तो आपका क्वेश्चन मैंने क्या बोला, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग कौन सा इंसुलिन है, तो नोट करेंगे इंसुलिन डेग्लुडेक, इंसुलिन डेग्लुडेक, इंसुलिन डेग्लुडेक, काम खत्म।
तो ये हो गया गाइस आपका पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलिन, ये हो गया आपका पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलिन, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। इंसुलिन का क्लासिफिकेशन मैंने सभी लोगों को याद करा दिया, पांच कैटेगरी बताई हैं। अब हम आते हैं इसके बाद, पहले कौन कौन सी कैटेगरी, पहले बताई मैंने रैपिडली एक्टिंग, दूसरा बताया कौन सा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, तीसरा बताया शॉर्ट एक्टिंग, फिर मैंने बताया कौन सा लॉन्ग एक्टिंग और अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, इस तरीके से कैटेगरी, इंटरमीडिएट एक्टिंग भी एक बताया था। अब हम लोग कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं इंसुलिन के, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। देखो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, इंपोर्टेंट पॉइंट इंसुलिन के जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नोट करेंगे कि जितनी भी प्रिपरेशन है, मैं यहां से नोट करता हूं, जितनी भी प्रिपरेशन है दे आर गिवन बाई एस सी रूट। आप लोग पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप लोगों को पूरी लाइन लिख के नोट्स बना रहे हैं। जितनी भी प्रिपरेशन है सभी दी जाती है एस सी रूट से, लेकिन जो रेगुलर इंसुलिन था, रेगुलर याद आ रहा है, अरे वही कहानी थी, रेगुलर जो होते हैं जो क्लास में शॉर्ट होते हैं वो रेगुलर आते हैं, तो शॉर्ट एक्टिंग हो गया ये। तो रेगुलर इंसुलिन जो होता है ये आपका एक ज्यादा अच्छा एक्ट करता है आईवी रूट से, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया कि सारे के सारे इंसुलिन सब्क्यूटेनियस से दिए जाते हैं, सब्क्यूटेनियस का मतलब हो गया 45 डिग्री के एंगल से, है ना। जैसे ये आपका अगर कोई एक लाइन है तो 45 डिग्री के एंगल से दिया जाएगा, इंट्रामस्कुलर होगा तो ये 90 डिग्री के एंगल से दिया जाएगा, इंट्राडर्मल होगा तो 15 डिग्री के एंगल से दिया जाएगा, है ना। इंट्राडर्मल को ही बोलते हैं इंट्राक्यूटेनियस, इंट्राक्यूटेनियस, और सबक्यूटेनियस अलग है, वो आपका 45 से है। तो गाइस ये मैंने आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया। तो जितनी भी प्रिपरेशन है वो सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं यानी 45 डिग्री से, लेकिन रेगुलर इंसुलिन दिया जाता है आपका आईवी रूट से, क्लियर हो गया। जब भी रूट की बात करते हैं तो अगला एक और पॉइंट नोट कर लेना गाइस कि इंसुलिन जनरली हम लोग सिरिंज से देते हैं ना, इसी तरीके से जो न्यूअर डिवाइस है इंसुलिन को डिलीवर करने के लिए, जो नई नई डिवाइस है, तो उनमें एक तो आपकी आती है प्रीफिल्ड, एक आती है आपकी प्रीफिल्ड सिरिंज, प्रीफिल्ड सिरिंज पहले से फिल्ड होती है, एक यूनिट दो यूनिट पहले से इंसुलिन होता है और वो डायरेक्टली आपको लगा दिया जाता है ना, बहुत सेंसिटिव जो होती है प्रीफिल्ड सिरिंज। दूसरा डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पेन फिल। पेन फिल का मतलब क्या होता है कि एक पेन होता है, पेन का मतलब इस तरीके से एक पेन होगा और अंदर इसके कार्ट्रिज लगाई जाती है। पेन आपका अलग से आता है और जो इंसुलिन आपका लगता है वो मेन क्या होता है, कार्ट्रिज होती है। पेन मान के चलो आपकी बंदूक हो गई और कार्ट्रिज उसके अंदर चलने वाली गोली हो गई, तो इंसुलिन किसके अंदर पैक है आपका, कार्ट्रिज के अंदर पैक्ड। मार्केट में जो प्रिपरेशन आती है वो कार्ट्रिज में पैक्ड रहती है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेन फिल। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि इंसुलिन का पेन से क्या लेना देना है, तो दिमाग लगा लेना कि जो पेन लग रहा है दैट इज योर एक्चुअली वो डिवाइस है जिसके थ्रू इंसुलिन लगाया जा रहा है। और जो बहुत ही फेमस हुआ था और बहुत रिसेंट था वो कौन सा है, इनहेलेशनल इंसुलिन। बिल्कुल आपको अचंभित नहीं होना है, आश्चर्य नहीं करना, इंसुलिन इनहेलेशनल रूट से भी दिया गया था, ठीक है। तो नोट करेंगे, हालांकि आपका ये मार्केट में बैन हो गया था लेकिन एक अभी भी है जो मार्केट में है, तो नोट करो इनहेलेशनल रूट से जो हम देते थे, तो एक था हमारा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इनहेलेशनल रूट से जो इंसुलिन देते थे तो एक था हमारा कौन सा, एक था हमारा एक्सुबेरा, एक था हमारा कौन सा एक्सुबेरा। ये हमारा क्या कर रहा था, लंग्स कैंसर कॉज कर रहा था, ये हमारा लंग्स कैंसर कॉज कर रहा था, इसलिए इसको मार्केट में बैन कर दिया गया, मार्केट से इसको विथड्रॉ कर लिया गया, बिकॉज इट वॉज कार्सिनोजेनिक फॉर योर लंग्स, इट वॉज कार्सिनोजेनिक फॉर योर लंग्स। बेटा ये क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली आपके नाइपर के एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली आपके नाइपर के एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एक्सुबेरा है जो आपका मार्केट से बैन कर दिया गया, लेकिन जो अभी भी मार्केट में है वो आपसे पूछा जाएगा एफ्रेजा, जो अभी भी आपके मार्केट में है वो है आपका कौन सा, एफ्रेजा, नोट कर लेंगे। तो ये आपका इनहेलेशनल रूट से दिया जाने वाला इंसुलिन है, एक हो गया कौन सा एक्सुबेरा और दूसरा हो गया कौन सा एफ्रेजा, एक हो गया एक्सुबेरा और दूसरा हो गया कौन सा एफ्रेजा, ठीक है। एक और पॉइंट इंसुलिन में मैंने अभी आपको बताया था कि एक होते हैं कन्वेंशनल इंसुलिन, इंसुलिन में मैंने भी आपको बताया था एक होते हैं कन्वेंशनल इंसुलिन। तो कन्वेंशनल इंसुलिन में हमेशा ध्यान रखना कि इनके साथ एक
कॉम्प्लिकेशन होता है, इनके साथ एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि ये कॉज करते हैं लिपोडिस्ट्रॉफी, ये कॉज करते हैं लिपोडिस्ट्रॉफी, मतलब कहीं भी आपकी बॉडी में लिपिड्स का फैल जाना किसी भी जगह है ना, उसको बोला जाता है लिपोडिस्ट्रॉफी। तो नोट करेंगे इस चीज को, लिपोडिस्ट्रॉफी। तो ये पॉइंट एक आपका मैंने इंपोर्टेंट बताया, किसके साथ था, ये कन्वेंशनल इंसुलिन के साथ था, किसके साथ था, कन्वेंशनल इंसुलिन के साथ था। अब आगे की बात करते हैं, वहां पर जब मैं क्लासिफिकेशन बता रहा था तो वहां पर एक इंसुलिन आया था आपका लेंटे, याद आ रहा है किसी को, मैं आपको याद दिलाता हूं, क्लासिफिकेशन पे आओ, कॉपी में नहीं देखना, कॉपी में नहीं, हां क्लासिफिकेशन में आओ, लेंटे, लेंटे आपका किसमें आ रहा था, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, नहीं उसमें नहीं था सर, फिर उसमें किसमें था, शॉर्ट एक्टिंग, नहीं उसमें भी नहीं था, इंटरमीडिएट, हाँ इंटरमीडिएट में दो थे, कौन कौन से, एक था आपका एनपीएच और एक था आपका पहले नंबर का जिसको मैंने क्या बताया था, एनपीएच मतलब न्यूट्रल प्रोटामिन, और एक बताया था इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। तो लेंटे आपका कौन सा है, ये इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि लेंटे अपने आप में मिक्सचर है, तो नोट करेंगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर, पहले रेशियो नोट करना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ द रेशियो 7:3, 7:3 किस किस का, अल्ट्रालेंटे, अल्ट्रालेंटे एंड सेमी लेंटे, अल्ट्रालेंटे और सेमी लेंटे का मिक्सचर है कौन सा, लेंटे, ठीक है, मिक्सचर का रेशियो क्या है 7:3। एक और बॉन्ड नोट करेंगे कि जो अल्ट्रालेंटे है, जो अल्ट्रालेंटे होता है वो आपका क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, जो अल्ट्रालेंटे है ये आपका क्रिस्टलाइन इन नेचर है, और जो सेमी लेंटे है ये आपका एमोरफस इन नेचर है, ये आपका कैसा है, अमोर्फस नेचर का है, ठीक है, कैसा है, अमोर्फस नेचर का है। याद करने का तरीका, अब क्रिस्टलाइन में कहीं एम नहीं आ रहा, इसमें कहीं एम नहीं आ रहा, अमोर्फस में एम आ गया और सेमी में भी एम आ गया, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे, अमोर्फस मतलब सेमी, एम एम सेम है, तो इससे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ऐसे याद कर लिया करो, लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। दूसरी चीज एक और इसी तरीके से याद कराने वाली, एम एम आ गया मतलब क्लियर हो गया, लेकिन एस से सेमी है और एस से होता है शॉर्ट एक्टिंग, मतलब एक और क्वेश्चन बन गया, अगर पूछा जाए सेमी लेंटे का नेचर कैसा होता है तो इट इज शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा लेंटे में एल आ गया इसका मतलब ही हो गया कैसा है ये, लॉन्ग एक्टिंग, कैसा है आपका, लॉन्ग एक्टिंग। तो नोट कर लीजिए, ये आपका एक क्वेश्चन आ गया अल्ट्रा लेंटे और सेमी लेंटे। हाँ एक और पॉइंट कि ये दोनों आपकी मार्केट में अलग अलग मार्केटिंग इसकी नहीं की जा सकती, ये हमेशा आपके कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं, तो नोट करेंगे दे आर नॉट मार्केटेड सेपरेटली, दे आर नॉट मार्केटेड सेपरेटली। तो गाइज ये हो गया आपका इंसुलिन के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। अब जब भी इंसुलिन के बारे में बात करते हैं तो इसके बाद एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे ह्यूमन इंसुलिन, जो क्वेश्चन ह्यूमन इंसुलिन से बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूं, नोट करेंगे ह्यूमन इंसुलिन, नोट करेंगे ह्यूमन इंसुलिन, बहुत ज्यादा नहीं बस एक पॉइंट है ह्यूमन इंसुलिन का जो इंपॉर्टेंट रहता है जहां से क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो नोट करेंगे 1980 में, इन द ईयर 1980, इन द ईयर 1980 ह्यूमन इंसुलिन वॉज प्रोड्यूस्ड बाई आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इन 1980 ह्यूमन इंसुलिन वॉज प्रोड्यूस्ड बाई और प्रिपेयर्ड बाई आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई आरडीएनए टेक्नोलॉजी, नोट करेंगे इस चीज को, थोड़ा पानी पी लेता हूं, इट इज प्रिपेयर्ड बाई आरडीएनए टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन ही आता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी से किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, वायरस के अंदर, किसके अंदर बनाया गया, तो नोट करेंगे इन बैक्टीरिया जिसका नाम था ई कोलाई, नोट करेंगे इन ई कोलाई, किसके अंदर, एस्चुरियन कोलाई, ई कोलाई के अंदर बनाया गया था, और जो ई कोलाई के अंदर बनाया गया था उसी टेक्निक को हम लोग एग्जाम में आता है पीआरबी के नाम से, ई कोलाई में किसके नाम से, पीआरबी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल, इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल, नोट कर लीजिए
इकोलाई में जो बनाया गया उसको बोलते हैं पीआरबी, प्रो इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल। दूसरा बनाया गया ईस्ट के अंदर, यहां लिख देता हूं, एक हो गया ये, दूसरा बनाया गया ईस्ट के अंदर, दूसरा ईस्ट, और ये टेक्निक को हमने बोला पीवाईआर, प्रिकर्सर ईस्ट रिकॉम्बिनेंट, प्रिकर्सर ईस्ट रिकॉम्बिनेंट, प्रिकर्सर ईस्ट रिकॉम्बिनेंट। तो ईस्ट के अंदर वाली टेक्निक अगर पूछी जाए तो पीवाईआर, इकोलाई के अंदर पूछी जाए तो कौन सी है पीआरबी, या फिर एक और टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं ईएमबी, कैपिटल लेटर से कभी डिनोट नहीं करता ये ईएमबी, ठीक है। ये तीसरी टेक्निक है जिसको बोला जाता है एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ, नोट करेंगे, मैं नोट कर देता हूं, नोट कर लीजिए, एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पोर्सिन बैक्टीरियल, नोट करेंगे, ईएमपी है पोर्सिन इंसुलिन, एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ईएमपी है, आई एम सॉरी ईएमपी है एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पोर्सिन इंसुलिन होगा, इंसुलिन, पोर्सिन इंसुलिन। तो कुछ नहीं है ये आपके केवल टेक्निक्स के नाम है, ये कुछ नहीं है आपके टेक्निक्स के नाम है कि कौन कौन सी टेक्निक्स है और उस टेक्निक में हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं। तो गाइज ये हो गया पूरा ह्यूमन इंसुलिन के बारे में, इससे ज्यादा आपको इंसुलिन ह्यूमन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसुलिन के बारे में पॉइंट। अब बात करते हैं कि इंसुलिन का क्या मतलब, किस तरीके से वो काम करता है, तो मैंने बता दिया था कल। अब बात करेंगे कि इंसुलिन का फेट क्या है, फेट का मतलब रहता है कि वो जब बॉडी में जाता है तो उसके बाद क्या, किस तरीके से टूटता है, टूटने के बाद क्या बनता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो नोट करेंगे फेट ऑफ इंसुलिन। यहां पर फेट से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा फिस वाले टॉपिक के लास्ट में, फेट ऑफ इंसुलिन में। चलिए नोट करेंगे फेट ऑफ इंसुलिन में। सबसे पहला तो ये है कि इंसुलिन आपका गाइस पेप्टाइड है ना, पता है ना सभी को इंसुलिन पेप्टाइड है। तो जो इंसुलिन है ये पेप्टाइड है, तो ये पेप्टाइड क्या होता है, जनरली जीआईटी से डिग्रेड हो जाता है। पेप्टाइड है तो ये जनरली डिग्रेड हो जाता है जीआईटी में, तब अगर आप इसको दोगे ओरल रूट से। इट इज वेरी मच क्लियर कि जब भी आप ओरल रूट से इंसुलिन को देते हो तो ये क्या होता है, आपका जीआईटी से डिग्रेड हो जाता है। दूसरी चीज, जो इंजेक्टेड इंसुलिन होता है, जो इंजेक्टेड इंसुलिन होता है, नेचुरल इंसुलिन होता है, या तो बाहर से सब्क्यूटेनियस रूट से दिया हुआ, या फिर जो अंदर से आपका नेचुरल का मतलब पेनक्रियास की बीटा सेल से निकल रहा है, तो उसका मेटाबॉलिज्म प्राइमरीली आपके लीवर में होता है, उसके बाद फिर होता है आपकी किडनी में। सबसे पहला लिवर में होता है, फिर होता है आपका किडनी में, और किडनी के बाद फिर होता है आपके मसल्स में। तो ये होता है आपका इंजेक्टेड या नेचुरल इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म। अगला पॉइंट, आप सभी को याद होगा मैंने आपको इंसुलिन का एक डायग्राम बताया था, इंसुलिन का एक स्ट्रक्चर बताया था। तो स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था कि इंसुलिन का डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ए और बी चेन प्रेजेंट होती है। अच्छा हाँ, वहां पर एक पॉइंट सही कर लेना, शायद कुछ एक मिस्टेक हो गया था कि प्री प्रो इंसुलिन, ये जो गलत हो गया था वो करेक्ट करा रहा हूं, उसमें 110 होते हैं, जब 24 माइनस होते हैं तो मैंने 84 लिख दिया था लास्ट क्लास में, लास्ट यूट्यूब वीडियो में। तो नोट करेंगे प्रो इंसुलिन में 86 होते हैं, 84 नहीं होते। जब उसमें से 35 सी पेप्टाइड के माइनस होते हैं तो इंसुलिन में 51 होते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन पे लास्ट में 51 होते हैं, तो ये आपका रहता है, थोड़ा करेक्ट करेंगे, 110 माइनस 24, आई हैव रिटन इन माय लास्ट यूट्यूब वीडियो 84, इट वाज एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है, करेक्ट होता है 86, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जब जो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ए और बी चेन के बीच में, तो वो क्या होते हैं कि ड्यूरिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरा मैं आपको बता रहा हूं फेट ऑफ इंसुलिन में, ड्यूरिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये डाइसल्फाइड बॉन्ड आपका टूट जाता है। जब ये टूट जाता है तो सारे के सारे अमीनो एसिड आपके अलग हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अमीनो एसिड आपके जो होते हैं वो आपके कनेक्टेड होते हैं वाया डाइसल्फाइड बॉन्ड।
है ना. तो ड्यूरिंग आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स आर सेपरेटेड, ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स आर सेपरेटेड. और जब टूटता है तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्लाज्मा टी हाफ कितना होगा. बस यही क्वेश्चन था जो बताना चाह रहा था इस टॉपिक के थ्रू. व्हाट इज द प्लाज्मा टी हाफ ऑफ इंसुलिन. आपको हर किसी की नहीं, केवल नॉर्मली पूछी जाती है कि इंसुलिन का प्लाज्मा टी हाफ कितना होता है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. तो नोट करेंगे गाइस, दिस इज योर 5 to 9 minutes. नोट करेंगे, दिस इज योर 5 to 9 minutes. अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा टी हाफ कितना इंसुलिन का, तो इट इज अबाउट 5 to 9 minutes. क्लियर होता है. अब आगे चलते हैं, फटाफट नोट करेंगे. अगला टॉपिक है हमारा, इंसुलिन को ही खत्म करना है तो नेक्स्ट इज योर ड्रग इंटरेक्शन. ये आपका एक टॉपिक आता है, कौन सा, इंसुलिन का ड्रग इंटरेक्शन क्या क्या है. तो नोट करेंगे ड्रग इंटरेक्शन ऑफ इंसुलिन. बहुत इजी तरीके से आपको बता दूंगा, वही आपको याद रखना है, ठीक है. बहुत ज्यादा टफ नहीं है. इंसुलिन का ड्रग इंटरेक्शन सबसे पहले नोट करेंगे. सबसे पहला होता है कि जब भी कभी आप एक्यूट इंजेक्शन ऑफ एल्कोहल करते, एक्यूट इंजेक्शन ऑफ एल्कोहल, एक्यूट इंजेक्शन ऑफ एल्कोहल इट विल लीड्स टू हाइपोग्लाइसीमिया. एक्यूट इंजेक्शन ऑफ एल्कोहल इट विल कॉज हाइपोग्लाइसीमिया. या फिर आप कोई ट्रिक बता देता हूं, एक ट्रिक याद कर लीजिए, हमेशा याद रखोगे. क्या याद रखोगे, ट्रिक याद करना कि बेटा बिल्लू ने, मैं ट्रिक बता रहा हूं बस इसको याद कर लो, बेटा बिल्लू ने जब एल्कोहल के साथ टी ली थी ना, बेटा बिल्लू ने जब एल्कोहल के साथ टी ली थी ना, तो क्या हो गया था उसको, दर्द होता है ना, दर्द को गांव की भाषा में बोलते हैं पीर हो रही है ना, मतलब एक गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, पैरों में पीर हो रही है. तो याद रखेंगे बेटा बिल्लू ने जब एल्कोहल के साथ टी ली थी तो उसको पीर हो रही थी. क्या हो रही थी उसको, पीर हो रही थी. क्या हो रही थी, पीरी हो रही थी, ऐसे बोल सकते हैं, पीरी हो रही थी, ठीक है. और जिससे हुआ क्या, जिससे अल्टीमेटली उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया. क्या हो गया उसको, पीर क्यों हो रही थी, क्योंकि उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया था इसलिए. तो ये आपकी कहानी जिंदगी भर याद रखना कि बेटा बिल्लू ने जब एल्कोहल के साथ पी ली थी तो उसको पीर हो रही थी. क्यों, क्योंकि उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया. तो नोट करेंगे बेटा बिल्लू से हो जाएगा बीटा ब्लॉकर. इस तरह लिखता हूं मैं, बेटा बिल्लू से हो जाएगा बीटा ब्लॉकर. नाम से पता चल रहा है बेटा बिल्लू, मतलब बेटा से बीटा और बिल्लू से ब्लॉकर. एल्कोहल का मतलब मैंने अभी बताया था, लेकिन आगे भी नोट कर लेना, एक्यूट कंडीशन में होगा तब. एल्कोहल कब, जब आप एक्यूट कंडीशन में होता है ना, एक्यूट और क्रोनिक. तो एक्यूट, टी के अंदर ड्रग होता है गाइस आपका थियोफाइलिन. टी के अंदर आपका ड्रग होता है थियोफाइलिन. लिथी का मतलब हो गया कौन सा, लिथियम. लिथी का मतलब हो गया लिथियम. और पीरी का मतलब हो गया एस्पिरिन. एस्पिरिन होता है ना, एस्पिरिन. इसीलिए एस्पिरिन क्या कॉज करता है, इट कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया. तो एक ड्रग इंटरेक्शन आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा कि बेटा बिल्लू ने एल्कोहल के साथ पी ली थी तो उसको पीर हो रही थी, क्योंकि उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया था. क्या हो गया था, हाइपोग्लाइसेमिया. तो गाइस ये तो वो हो गए ड्रग्स जो कि आपके इंसुलिन के लेवल को डिक्रीज करते हैं, सॉरी जो आपके ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करते हैं. अगले नोट करेंगे वो ड्रग जो आपके ब्लड शुगर को इंक्रीज करते हैं. ड्रग्स इंक्रीजिंग ब्लड शुगर, ड्रग्स इंक्रीजिंग ब्लड शुगर, ऐसे जो आपके ब्लड के शुगर को बढ़ाएंगे. तो इसमें नोट करना जनरली डायबिटिक्स के आ जाते हैं, क्योंकि ट्रिक नहीं है लेकिन याद रहेगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं. थायजाइड फ्यूरोसेमाइड दोनों मेन आपके डायबिटिक हैं. अगला नोट करना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जिनको जनरली CS बोलते हैं. दूसरा नोट करना CS के बाद फिर OC इज एक्चुअली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. तो थायजाइड हो गया, फ्यूरोसेमाइड हो गया, OCs हो गया, CS हो गया, और इसके साथ साथ एंटीएस्थेमेटिक ड्रग होती है साल ब्यूटामॉल. तो ये गाइस वो ड्रग हैं जो आपके ब्लड शुगर के लेवल को इंक्रीज करते हैं. इनको आप लोग याद कर लेंगे, बहुत इजी है. दो डायरोटिक है, एक CS है और एक OC है, और लास्ट में आपका साल ब्यूटामॉल है. तो ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपके वो ड्रग जो आपका ब्लड शुगर का लेवल क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं.
ये वो ड्रग सॉरी जो आपका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा रहे हैं। उसके बाद एक इंपोर्टेंट आप लोगों को एक इंटेक्शन बताना है, तो नोट करेंगे कि जब भी कभी हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट को, या फिर ऐसा बोले ऐसा डायबिटिक पेशेंट जिसको हम लोग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दे रहे हैं, है ना, ऐसा डायबिटिक पेशेंट जिसको हम लोग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दे रहे हैं, जो मेटफॉर्मिन या जो भी आपके एंटी डायबिटिक ड्रग है, तो क्या होता है कि जब वो एंटी डायबिटिक ड्रग लेता है ना, तो उससे उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। बहुत ज्यादा अमाउंट में लोगे कुछ भी हो सकता है ना बॉडी के अंदर, तो हमें नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, कम हो सकता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। अब क्या होता है कि जब हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो हमेशा ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया दोनों में इमरजेंसी कंडीशन कौन सी है, तो हमेशा ध्यान रखना इमरजेंसी कंडीशन इज योर हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन कौन सी है आपकी, हाइपोग्लाइसेमिया। जैसे इमरजेंसी कंडीशन हुई, तुरंत ब्रेन के पास मैसेज पहुंचा, क्या मैसेज पहुंचा, बॉडी में कुछ गड़बड़ है, तुरंत वो क्या करेगा, बॉडी में एकदम टेंशन स्टार्ट हुई, स्ट्रेस स्टार्ट हुआ, क्या रिलीज हुआ, एड्रिनलिन रिलीज हुआ, क्या रिलीज हुआ, एड्रिनलिन रिलीज हुआ, आपके एड्रिनर्जिक रिसेप्टर क्या हो गए, एकदम से स्टिमुलेट हो गए, तो क्या होगा, तुरंत ट्रेमर होगा, तुरंत क्या होगा, ट्रेमर होगा, तुरंत स्ट्रेस होगा, नोट करेंगे, स्ट्रेस होगा, ट्रेमर होगा, ठीक है, पैल्पिटेशन होगा, और साथ में क्या होगा, स्वेटिंग होगी। ये सारे क्या है, दीज आर ऑल वार्निंग सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, तो जब भी हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो तुरंत ब्रेन के पास मैसेज पहुंचता है और उसके कंपेंसेटरी मैकेनिज्म से ब्रेन इस तरीके के सिम्टम को शो करता है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं हाइपोग्लाइसेमिया वाली कंडीशन में पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दे दूं, जो मैंने सबसे पहले बताया था ना, अगर मैं बीटा ब्लॉकर दे दूं, तो उस कंडीशन में पता है क्या होता है, बीटा ब्लॉकर इन वाले सिम्टम्स को ब्लॉक कर देता है, बिकॉज दीज आर ऑल मीडिएटेड बाय योर एड्रेनर्जिक सिस्टम एंड दिस इज योर एड्रेनर्जिक सिस्टम ब्लॉकर, दीज आर योर सिंपैथेटिक सिस्टम और दिस इज योर सिंपैथोलाइटिक ड्रग। तो जब भी कभी आप बीटा ब्लॉकर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वाले पेशेंट को दोगे, तो उस कंडीशन में उसका हाइपोग्लाइसेमिया और प्रोलोंग हो जाएगा। क्यों प्रोलोंग हुआ, क्योंकि ये कंडीशन क्या हुआ, उसने खत्म कर दिया, अब आप सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा, ना उसको स्ट्रेस हो रहा, ना उसको ट्रेमर हो रहा, ना पैल्पिटेशन हो रहा, एक्सेप्ट स्वेटिंग बिकॉज इट इज नॉट गवर्न बाय, इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय योर सिंपैथेटिक सिस्टम। तो इन दैट कंडीशन क्या होगा, पेशेंट की डेथ तक हो जाती है, ना, पेशेंट कैन लीड्स टू डेथ। तो दिस इज द रीजन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कभी भी हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट है, कोई डायबिटिक का पेशेंट है, उसकी एंटी डायबिटिक ड्रग चल रही है ना, तो उसको कभी भी बीटा ब्लॉकर नॉन सिलेक्टिव, मैं कार्डियो सिलेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं देते, क्योंकि कार्डियो सिलेक्टिव तो बीटा वन पर एक्ट करेगा, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, आप ये भी नोट कर लेंगे, नॉन सिलेक्टिव, दीज आर नॉट यूज फॉर द पेशेंट। तो नोट कर लीजिए गाइज, ये हो गया आप लोगों का इंटरेक्शन। तो गाइज ये कंप्लीट हुआ इंसुलिन के बारे में, जो भी पॉइंट्स बचे हुए थे बाकी पिछली क्लास में बता दिया था। अब लास्ट में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंसुलिन के शॉर्टकट में कि क्या उसकी मैकेनिज्म होती है ना, फटाफट से देखेंगे इंसुलिन की मैकेनिज्म के बारे में, क्या इंसुलिन की मैकेनिज्म है। देखिए ये आपकी बीटा सेल है, मैंने आपको एक याद करो एक पॉइंट बताया था कि इंसुलिन की मैकेनिज्म में कि टायर के नीचे पीआईजी आ गया था, याद आ रहा है ना, जब मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था, टायर के नीचे कौन आया, पीआईजी, पी फॉर प्रोलैक्टिन, आई फॉर इंसुलिन, जी फॉर ग्रोथ हार्मोन। तो ये तीनों के तीनों एक्ट करते हैं बाहर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, है ना। तो नोट करेंगे यहां पर क्या होता है, दो तरीके की सब यूनिट होती है, पहले तो नोट करेंगे इस तरीके से रिसेप्टर है, इसमें दो सब यूनिट है, दो अल्फा और दो होती है आपकी बीटा, जो बीटा सब यूनिट है ये आपकी ट्रांस मेम्ब्रेन में फिट है आपकी, नोट करेंगे बीटा सब यूनिट आपका ट्रांस मेम्ब्रेन में फिट है, और इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा सब यूनिट को रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, यही रिसेप्टर है आपका कौन सा, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, दिस इज योर एक्चुअली हेट्रो टेट्रामेरिक ग्लाइकोप्रोटीन, हेट्रो टेट्रामेरिक ग्लाइकोप्रोटीन। अब होता क्या है, जैसे ही इंसुलिन आपके बाइंड किया,
जैसे ही इंसुलिन आके अल्फा से बाइंड करेगा तो बाइंड होते ही क्या होगा, तुरंत एक कैस्केड स्टार्ट हो जाएगी। देखो बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, जैसे ही इंसुलिन आके बाइंड हुआ तो तुरंत एक कैस्केड स्टार्ट हो जाती है, कैस्केड एक्टिवेट हो जाती है। और कि किसकी कैस्केड होती है, दिस इज ऑफ फॉस्फोराइलेशन, दिस इज योर फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन, फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे ही आपका इंसुलिन बाइंड होता है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पर, जो कि आपका हेटरोडेट्रामेरिक ग्लाइकोप्रोटीन है, तो क्या होगा, तुरंत एक कैस्केड स्टार्ट हो जाएगी और प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे होता यह है, अब बता रहा हूं इससे क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज अंदर आ जाता है वाया ग्लूट फोर, वाया ग्लूट टू नहीं है, मैकेनिज्म हमेशा ध्यान रखना, ग्लूट फोर के थ्रू अंदर आएगा। ग्लूकोज आपका अंदर आ जाता है ग्लूट फोर के थ्रू, और जैसे ही वो आपका अंदर आता है तो अंदर आने के बाद क्या होगा, वो ग्लूकोज यूज होता है और फॉर्म करता है आपका एटीपी। अरे यही तो मैं चाह रहा था, मैं क्या चाह रहा था कि ग्लूकोज मेरा एनर्जी प्रोवाइड करे। तो यहां पर क्या होता है, ग्लूट फोर के थ्रू ग्लूकोज अंदर आएगा और वो आपका एटीपी को फॉर्म करेगा। क्लियर हो गया। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये ग्लूकोज आपका स्टोर हो जाता है मसल्स में और फैट में, और एक तरीके से यहां भी आपको एनर्जी ही प्रोवाइड कराएगा। तो कंडीशन समझ में आ रही है कि डीफॉस्फोराइलेशन और फॉस्फोराइलेशन से क्या का काम हो रहा है। दूसरी चीज, इस वाली कंडीशन में, फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन वाली कंडीशन में कुछ सेकेंडरी मैसेंजर भी काम करते हैं, जैसे PIP3। ये सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं जो काम करेंगे, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज योर PIP3? फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, या फिर टायरोसिन फॉस्फोराइलेटेड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। ये आपके क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं जो कि आपके काम करते हैं इन द फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन्स को। तीसरा एक और काम होता है कि यहां पर एंजाइम्स का, जब ये प्रोसेस होती है तो इसी टाइम पे एंजाइम्स का एक्टिवेशन और इनहिबिशन होता है, एंजाइम का एक्टिवेशन एंड इनहिबिशन होता है। कैसे एक्टिवेशन इनहिबिशन होता है, तो चार आपको पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहले नोट करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये जो एंजाइम्स का एक्टिवेशन और इनहिबिशन होगा उससे चार प्रोसेस होती है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, दूसरा नोट करना ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और दूसरा हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। देखो नाम से पता चल रहा है गाइस, नाम से पता चल रहा है। अब जब एक्टिवेशन होगा या इनहिबिशन होगा एंजाइम का, तो क्या हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का बनना। ग्लाइकोजन का बनने का मतलब क्या, ग्लूकोज एक ही जगह स्टोर हो गया। जब एक जगह स्टोर हो गया तो क्या आपके ब्लड में पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, नहीं फैल रहा है, मतलब ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। दूसरा ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लूकोज आपका था वो ग्लूकोज क्या है, अब वो ग्लूकोज टूट के क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा, मतलब ये आपका बॉडी के लिए अच्छा है। मतलब ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस नहीं, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस, ये आपके लिए अच्छे हैं। ये इंसुलिन क्या करेगा, इन दोनों का एक्टिवेशन करता है एंजाइम का, और इन दोनों को बनाता है, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस को रोकता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है ना। तो ये आपके, क्योंकि ये दोनों आपके ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और ये दोनों आपके ग्लूकोज को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा की पूरा जो मैंने बताया इंसुलिन के बारे में। तो फाइनली इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना, ग्लूकोज को एक जगह स्टोर करके रखना, पूरी बॉडी में ब्लड में नहीं फैलने देना, क्योंकि ब्लड में फैलेगा तो आप HbA1c कराओगे और क्या होगा, आपको ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ आ जाएगा। तो गाइज ये पूरा मैंने आपको बताया ग्लूकोज के बारे में, इंसुलिन के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम थी उसमें, मैंने कोशिश की है आज के वीडियो में थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, है ना, नेक्स्ट क्लास में और इंप्रूव करेंगे। तो गाइज इसी तरीके से इंसुलिन कंप्लीट हो गया, हमारे अगले पार्ट में हम लोग पढ़ाएंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।